हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज था एशियन गेम्स का राउंड ऑफ 16 का मैच, इंडिया वर्सेस सऊदी अरबिया। शुरू करते हैं आज का मैच डे का मैच डे रिव्यू। सऊदी अरब ने अपना एग्जैक्ट अंडर 23 टीम भेजा और बहुत प्रैक्टिस मैच खेले, अपना टीम को बिल्ड किया, देन सेटअप किया। एंड दूसरी तरफ हमारी टीम जो एक भी प्रैक्टिस गेम नहीं खेला, जिस दिन चाइना के साथ मैच था उसी दिन चाइना में लैंड किया एशियन गेम्स खेलने के लिए। तो एज ए रिजल्ट हम सबको एक्सपेक्टेड था कि हम लोग जीतेंगे तो नहीं, क्योंकि सऊदी अरब बहुत स्ट्रांग टीम था। रिस्पेक्ट टू आवर कोच इगो स्टेमिच, बहुत ही शानदार तरीके से कुछ ही दिनों में टीम का डिफेंसिव यूनिट बहुत शानदार कर दिया था। फर्स्ट हाफ में अपना टीम सऊदी अरब को पूरा रोक लिया था। संदेश जिज्ञान पूरा डिफेंसिव यूनिट ने बहुत ही शानदार टैकल किया, गोल कंसीड नहीं किया, अटैक कर नहीं रहे थे क्योंकि हम लोग को पता था कि डिफेंस में अगर हम लोग खुल गए तो बहुत गोल से हार जाएंगे। सिर्फ चाइना के खिलाफ हम लोग 5 गोल खाए थे। एंड आज भी फर्स्ट हाफ में 0-0 हुआ था, इंडिया 0 सऊदी अरबिया 0। सेकेंड हाफ स्टार्ट होते ही सऊदी अरब पूरा अटैकिंग मूड में आई एंड विद इन 51 मिनट दे स्कोर्ड ए 1 गोल एंड फाइनली सऊदी अरब 1 एंड इंडिया 2। एंड आफ्टर 57 मिनट सऊदी अरब अगेन एक गोल मार दिया एंड 60 मिनट के अंदर सऊदी अरब 2-0 से लीड करने लग गया। हम लोग थोड़ा अटैक कर रहे थे पर उतना प्रॉमिसिंग नहीं था हम लोग का अटैक, डिफेंस प्रॉमिसिंग था। बट सऊदी अरब ने एट लास्ट डेड लॉक तोड़ के 2 गोल मार के अपना जीत को पक्का कर लिया। आफ्टर फुल टाइम सऊदी अरब 2 इंडिया 0, सऊदी अरब क्वालिफाइड टू द क्वार्टर फाइनल। कुछ पॉजिटिव बात करते हैं अब इस मैच के इंडिया के बारे में। कुछ प्रॉमिसिंग यंगस्टर मिला है जो नेक्स्ट टाइम सीनियर नेशनल टीम में खेलेगा, वही अच्छे बात है कि हम लोग प्रैक्टिस के बिना भी अपना लास्ट तक एडजस्ट कर लिए थे। डिफेंसिव यूनिट बहुत तगड़ा था, गोलकीपर धीरज सिंह भी बहुत अच्छा था, राहुल चंगला बहुत ही शानदार नहीं बोलेंगे लेकिन अच्छा खेला कम टाइम में। सो वी सपोर्ट आवर टीम चाहे कुछ भी हो जाए। फॉर मोर फुटबॉल अपडेट प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।